इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको कितनी बार बुडेकोट 200 इनहेलर का उपयोग करने की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने अस्थमा को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए आवश्यक सबसे कम खुराक लें। इस दवा का असर कुछ दिनों के बाद ध्यान देने योग्य हो सकता है, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद ही यह अपने अधिकतम तक पहुंचेगा। प्रभावी होने के लिए इस दवा का नियमित रूप से उपयोग किया जाना चाहिए, इसलिए यदि आपको कोई लक्षण नहीं है तो भी इसे लेते रहें। कोई लक्षण नहीं होने का मतलब है कि दवा अपना काम कर रही है। यदि आप इसे लेना बंद कर देते हैं तो आपका दमा और भी बदतर हो सकता है। अस्थमा के अचानक दौरे से राहत पाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि अस्थमा का दौरा पड़ता है तो अपने त्वरित राहत इनहेलर रिलीवर का उपयोग करें। इस दवा से लाभ प्राप्त करने के लिए आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप अपनी इनहेलर तकनीक ठीक से लें, अन्यथा यह भी काम नहीं करेगा। सबसे आम दुष्प्रभाव गले में जलन, निगलने में कठिनाई और मुंह या गले में फंगल संक्रमण है। यदि आपको ये मिले तो इसे लेना बंद न करें, बल्कि अपने डॉक्टर से बात करें। आप अपने इनहेलर का उपयोग करने के बाद अपने मुंह और गले को पानी से धोकर या अपने दांतों को ब्रश करके इन लक्षणों को रोकने में मदद कर सकते हैं। अन्य दुर्लभ दुष्प्रभाव हैं जो गंभीर हो सकते हैं। यदि आप उनके बारे में चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें। सामान्य तौर पर आपको उन स्थितियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए जो आपके अस्थमा आपके ट्रिगर्स को खराब करती हैं, और कोशिश करें कि धूम्रपान न करें। यदि आपको तपेदिक आपके मुंह या फेफड़ों में कोई संक्रमण है या लीवर की बीमारी है तो बुडेकोट 200 इनहेलर लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। इसे लेते समय आपको संक्रमण होने का खतरा अधिक हो सकता है, इसलिए सर्दी और फ्लू वाले लोगों से दूर रहें। यदि आप लंबे समय तक बुडेकोट 200 इनहेलर का उपयोग करते हैं तो इससे आपकी हड्डियां कमजोर ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती हैं और आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है ग्लूकोमा या मोतियाबिंद। आपको अस्थि घनत्व और आंखों के दबाव के लिए परीक्षण की आवश्यकता हो सकती है। यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो अपने डॉक्टर से पूछें कि क्या यह दवा लेना सुरक्षित है। बुडेकोट इनहेलर के उपयोग। दमा। बुडेकोट इनहेलर के लाभ। दमा। बुडेकोट 200 इनहेलर दवाओं का मिश्रण है जो आपके फेफड़ों में सूजन और सूजन को कम करने और रोकने का काम करता है। यह दवा पहले से शुरू हो चुके अस्थमा के दौरे को नहीं रोकती है, लेकिन इसके लक्षणों को रोकती है, जैसे आपकी छाती में जकड़न, घरघराहट, सांस फूलना और खांसी। यह आपको अपनी दैनिक गतिविधियों को अधिक आसानी से और आत्मविश्वास से करने की अनुमति देता है। भले ही आपको कोई लक्षण न हो, फिर भी निर्धारित अनुसार इसे नियमित रूप से लेते रहें, क्योंकि इस दवा को पूर्ण प्रभाव दिखाने में कुछ सप्ताह लग सकते हैं। इसे अचानक बंद करने से लक्षण वापस आ सकते हैं। बुडेकोट इनहेलर के साइड इफेक्ट। अधिकांश दुष्प्रभावों को किसी भी चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है और गायब हो जाते हैं क्योंकि आपका शरीर दवा में समायोजित हो जाता है। अपने चिकित्सक से परामर्श करें यदि वे बने रहते हैं या यदि आप उनके बारे में चिंतित हैं। बुडेकोट के सामान्य दुष्प्रभाव। निगलने में कठिनाई, मुंह का फंगल इन्फेक्शन, ओरोफ्रीनिक्स का फंगल संक्रमण, सिर दर्द, पेट में दर्द, अवसाद, जोड़ों का दर्द, कुशिंग सिंड्रोम, अपच, संक्रमण का खतरा बढ़ गया, मांसपेशियों में दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी, मांसपेशी हिल, ऑस्टियोपोरोसिस, चिड़चिड़ापन, यूफोरिया, तीव्र उत्तेजना और खुशी की अनुभूति। बुडेकोट इनहेलर का उपयोग कैसे करें। उपयोग से पहले दिशाओं के लिए लेबल की जांच करें। इनहेलर को हिलाएं। जब आप मुंह से सांस ले रहे हों तो दवा छोड़ने के लिए एक बार इनहेलर को दबाएं और 10 सेकंड के लिए अपनी सांस रोकें। तब तक दोहराएं जब तक कि आप डॉक्टर द्वारा सुझाए गए कश की संख्या को सांस में न ले लें। इसके बाद अपने मुंह को पानी से अच्छी तरह से धो लें और इसे थूक दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।